नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। एक नजर डालेंगे यूपी की खबरों पर। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसको देखते हुए योगी सरकार लगातार लोगों से अपील कर रही है कि दो गज की दूरी मास्क है जरूरी के साथ ही खुद अलर्ट रहकर सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। लेकिन गाजीपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ताज़ा आंकड़े की बात करें तो कल देर शाम तक 298 पॉजिटिव कोरोना मरीजों की संख्या सामने आई है, जबकि जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या तकरीबन 1250 है। पीलीभीत में भी कोरोना वायरस एक बार फिर दुगनी तेजी के साथ कहर बरपा रहा है। जनपद में 15 और नए संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 210 हो गई है। अलीगढ़ में ग्लास पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को पकड़ा है। बता दें, पकड़े गए युवक से अवैध तमंचा, कारतूस और अंग्रेजी शराब भी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा लिख जेल भेज दिया है। आरोपी युवक इगलास तहसील के गांव अरनिया की गड़ी का रहने वाला है। ललितपुर में जिला अस्पताल में ओपीडी सेवाएं बंद कर दी गई हैं, सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं ही चालू रहेंगी। बता दें, इमरजेंसी सेवाओं में बच्चों और गर्भवती महिलाओं का इलाज किया जाएगा। जिले की सभी CHC में ओपीडी सेवाएं फिलहाल के लिए बंद कर दी गई हैं। प्रतापगढ़ में चुनावी रंजिश में युवक की गोली मारकर जान ले ली गई, जबकि गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया है। दरअसल BDC चुनाव प्रचार के दौरान दो प्रत्याशियों के बीच विवाद हुआ था। जेठवाड़ा थाना के सिंहदौर गांव का ये पूरा मामला है। संभल में त्रिस्तरीय चुनाव में चौथे चरण के लिए संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच नामांकन हुआ। यहां 29 अप्रैल को चौथे चरण का मतदान होना है। जनपद के सभी ब्लॉक मुख्यालय पर सुबह 8 बजे से ही उम्मीदवार अपने अपने समर्थकों और प्रस्तावकों के साथ पहुंचने शुरू हो गए थे। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस ने ब्लॉक मुख्यालय को 500 मीटर तक सील कर दिया था। यहाँ हर आने जाने वाले व्यक्ति की मेटल डिटेक्टर से चेकिंग के बाद प्रवेश किया गया। इससे पहले कोरोना हेल्प डेस्क पर उम्मीदवार और प्रस्तावकों की सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग की गई। अलीगढ़ में प्रधान पद का दावेदार वोटरों को रसगुल्ले के पैकेट बांटता हुआ नजर आया। पुलिस के पहुंचने पर गाड़ी और रसगुल्लों के पैकेट छोड़कर दावेदार और समर्थक भाग गए। पुलिस ने दावेदार और 15 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ चुनाव आचार संहिता और महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बता दें, ग्लास कोतवाली क्षेत्र के गाँव रायतपुर इमलिया का ये पूरा मामला है। बदायूं में गेहूं निकालते समय थ्रेशर फटने से दो भाइयों की जान चली गई। दो भाइयों की मौत से परिवार में हड़कंप मच गया है। मिलसी थाना क्षेत्र के गांव असौली में दर्दनाक हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश में चल रहे त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर जहां मथुरा में चौथे चरण में 29 तारीख को मतदान होगा, उसी को लेकर सभी ब्लॉक सहित जिले कलेक्ट्रेट पर जिला पंचायत के लिए सदस्यों द्वारा अपना नामांकन किया गया। ग्राम पंचायत के लिए ब्लॉक पर प्रत्याशी अपना पर्चा भरने के लिए पहुंचे। जिला कलेक्ट्रेट पर सुबह से ही जिला पंचायत चुनावों को लेकर जहाँ राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने नामांकन करने को पहुँच रहे हैं, वहीं निर्दलीय प्रत्याशी भी इस चुनाव मैदान में उतर कर ताल ठोक रहे हैं, जिनके साफ मुद्दे हैं कि वो अपने गाँव कस्बे के विकास करना चाहते हैं। ललितपुर में पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार के द्वारा वैश्विक महामारी कोविड वायरस के संक्रमण से बचने के लिए थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मास्क चेकिंग अभियान चलाकर लोगों से 100% मास्क पहनने की अपील की गई। नियमों की अनदेखी करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है। बता दें, लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, कोविड-19 के संबंध में नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया है और बाजारों में बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों के 1000 रुपये के चालान भी काटे गए। इस मौके पर क्षेत्र अधिकारी सदर भी मौजूद रहे। कानपुर देहात में जितेंद्र सिंह उर्फ गुड्डन ने BJP का दामन छोड़ दिया है। बता दें, प्रेस वार्ता करते हुए उन्होंने BJP से इस्तीफा दिया है। BJP के जिलाध्यक्ष समेत वरिष्ठ कार्यकर्ताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। उन्होंने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में BJP जिलाध्यक्ष समेत अध्यक्ष ने बड़े खेल किए हैं। पार्टी में काम करने वाले जमीनी स्तर पर पुराने कार्यकर्ताओं को सपा बसपा से आए लोगों ने दरकिनार किया है। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।